आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं सर्दियों के लिए खास मोमोज की रेसिपी। चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। ललिता चूल्हा चौका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेज मोमोज बना रहे हैं और उसके लिए कटिंग बहुत ही मस्त है। हम इस तरह से पत्ता गोभी को कट कर ले रहे हैं। हम हाथ से कट कर रहे हैं, इससे हमारी जो सब्जियां हैं उसको पानी नहीं छूटेगा और ये सूखी सूखी ही रहेगी। इसी तरह से आप करके देखिए। हमें जितना हो सके उतना बारीक फाइन गोभी को काटना है। आप इसे मिक्सी में भी काट सकते हैं या फूड प्रोसेसर में भी इसे कट कर सकते हैं, लेकिन हाथ से अगर आप कट करेंगे तो बेहतर होगा। इसी तरह से सभी सब्जियां हम कट कर लेते हैं। मोमोज के ऊपर का कवर हमें बनाना है, तो इसके लिए हमने एक कप मैदा लिया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक हल्का डो लगाना है। बहुत टाइट भी नहीं और बहुत ढीला भी नहीं लगाना है, मीडियम साइज़ का। देखिए इस तरह से हमारा डो लग गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे इस तरह से तेल लगा के रखेंगे और ढक के रखेंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमने एक बड़ा कटोरा भर के पत्ता गोभी बारीक चॉप करके लिया है। इसमें हम कटी गाजर डालेंगे, इसे भी हमने बारीक चॉप किया है। प्याज डालेंगे, आपके पास अगर हरा प्याज हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। शिमला मिर्च के टुकड़े और बीन्स के टुकड़े डालेंगे। ये कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन है, सोया सॉस, रेड चिली सॉस और ये टोमेटो सॉस, इसे डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। इन सभी सॉस में नमक होता है, तो उसी हिसाब से आप नमक डालें और इन सब को हमें मिक्स करना है। अभी इसमें हम 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डालेंगे, इससे मोमोज खाने में सॉफ्ट लगते हैं। बारीक कटा हरा धनिया डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अभी साइड को रखते हैं और चटनी की तैयारी करते हैं। पैन में हमने 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल को भून के लिया है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में हमने 1 ग्लास पानी डाला है बॉईल होने के लिए। इसमें हम 7-8 लाल मिर्चें जो हमने आधा घंटा भिगो के रखी थी इसे डालेंगे। 1 टोमेटो, प्याज, सबको मोटा मोटा कट करना है। पत्ता गोभी के टुकड़े, शिमला मिर्च के टुकड़े, मिर्ची भिगोए हुआ पानी डालेंगे, 7-8 लहसुन की कलियां, अदरक का टुकड़ा और थोड़ा नमक डालेंगे। अगर आपके पास हरे धनिए के डंठल होंगे तो उसे भी डालिए। मैंने इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाला है। इन सब चीज़ों को हमें बॉईल करना है। 7-8 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। अरे देखिए, अभी ये सब चीज़ें गल गई है। एक कटोरी में हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसकी स्लरी बना लेंगे। ये स्लरी अभी इन सब्जियों में डालनी है। सब्जियों को ठंडा कर लेंगे और इसे मिक्सी जार में पेस्ट बना लेंगे। देखिए सब्जियां अभी ठंडी हो गई है, मिक्सी जार में इसे निकाल लेते हैं और हमने जो तिल भून के रखे थे इसे डालेंगे। इस तिल से चटनी को एक थिकनेस भी मिलेगा और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसकी एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। पैन में हमने तेल डाला है और अभी इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे और इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली है, आप अपने हिसाब से डालें। और ये जो पेस्ट हमने करके रखी थी इसे डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। मिक्सी जार में जो थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसे खंगाल लिया है वो पानी भी हम इसमें डालेंगे। अब जब तक इस चटनी को तेल नहीं छूटता तब तक धीमी आंच पे हमें इसे भूनना है। नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून चीनी इसमें डालेंगे। अभी ये चटनी हमारी अच्छे से बॉईल होते आई है। अभी इसमें हम 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे, इससे ये चटनी खट्टी मीठी ऐसे टैंगी लगेगी। आप एक बार चटनी को चख लें, इसमें अगर कुछ कम ज़्यादा है
तो उसे नमक शक्कर से सब बराबर कर लें। अभी ये चटनी हमारी हो गई है, मोमोज का आटा भी हमारा अच्छे से रेस्ट हो गया है। ये देखिए, इसे एक बार गूंथ लेंगे अच्छे से और इसकी छोटी छोटी लोइयां करेंगे। आपको जैसे चाहिए छोटा बड़ा उस तरह से आप लोई करें। इसे मैदा डस्ट करके हम इसे बेलेंगे। पूरी के जैसा थोड़ा सा हमें बड़ा बेलना है। साइड से हम इसे पतला करेंगे, बीच में थोड़ा मोटा रखेंगे। इस तरह से हमें इसे बनाना है। इस तरह से इतना पतला हमें रखना है, बीच में ये मोटा ही है। मोमोज हमें एक या दो बाइट वाले ही बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने हैं। तो इस तरह से आप पूरियां बना लें। इसमें अभी ये स्टफिंग जो हमने बना के रखा था इसे डालेंगे। इसे 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और इस तरह से हम इसको शेप देंगे। इस तरह से जैसे हम मोदक बनाते हैं वैसे ही बनाना है, लेकिन आधे साइड में हमें मोदक की कलियां डालनी है और आधा साइड इस तरह से पैक करना है। इस तरह से ये बन गया। इस डिश को हमने तेल लगा के रख दिया है और स्टीमर में भी पानी डाल के रखा है बॉईल होने के लिए। अभी जैसे जैसे मोमोज हमारे तैयार होंगे हम इसमें रखते जाएंगे। देखिए, जैसे और एक बना के दिखाती हूँ। साइड से हमें पतला बेलना है और बीच में हल्का मोटा रखना है। पहले एक दो बनाने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे इसे आप बनाने लगेंगे वैसे आपकी टेक्निक सुधरती जाएगी। तो इसी तरह से हम और मोमोज बना लेते हैं। स्टीमर में अभी मोमोज हम रखेंगे 8-10 मिनट के लिए। हम इसे बॉईल करने रखेंगे। देखिए, 10 मिनट के बाद एक बार चेक करें, ये हाथ को चिपक नहीं रहे हैं और ऊपर का जो कवर है ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया है। अंदर की सभी सब्जियाँ हमें दिख रही हैं। इसका मतलब हमारे मोमोज बनके तैयार हो गए हैं। अभी इसे निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म ये मोमोज हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए। बाय।